गिरिडीह पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मिली सफलता। हथियार के साथ 5 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। सिमडेगा में युवतियों से दुष्कर्म मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा। आज से रांची में खुलने शुरू होंगे पूजा पंडाल। पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर बढ़ते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सूरत में अनेक ढांचागत और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सूरत में विकास का लाभ जिस तरह हर घर तक पहुंच रहा है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं, तो मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ जाती है। इसी क्रम में आज सूरत के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया गया है। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट सामान्य सूरतवासियों को, मध्यम वर्ग को, व्यापारी वर्ग को ये अनेक प्रकार की सुविधाएं और लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुझे बताया गया कि अमृत सरोवर 75 अमृत सरोवर सूरत में, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसके लिए भी जिले के सभी साथी, शासन प्रशासन हर कोई और मेरे सूरतवासी भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, सूरत शहर लोगों की एकजुटता और जन भागीदारी दोनों का बहुत ही शानदार उदाहरण है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पे न रहते हो। एक प्रकार से मिनी हिंदुस्तान सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये शहर सूरत, इस बात के लिए मैं हमेशा उसका गर्व करता हूं, ये शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहां टैलेंट की कद्र होती है, प्रगति की आकांक्षाएं पूरी होती है, आगे बढ़ने के सपने साकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है, ये शहर उसे ज्यादा मौका देता है, उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे और देश भर से इन खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 29 सितम्बर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे।
इन खेलों में देश भर से तकरीबन 15,000 एथलीट्स, कोच और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खेलों में एथलीट 36 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। दूरदर्शन पर इन खेलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन ने खेलों के प्रसारण के लिए विशेष तैयारियां की हैं। दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ दिन रात खेलों के प्रसारण की तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय खेलों के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने 100 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं, साथ ही 10 ओबीवैंस और 10 डीएसएनजीज लगाई गई हैं। वहीं स्पेशलाइज्ड कवरेज इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इनमें पीटीजेड कैमरा, सुपर स्लो मोशन कैमरा, रीप्ले सर्वर्स, गोल कैम्प्स, इन सबके जरिए खेलों के लाइव एक्शन की हर बारी की कैमरे में कैद कर दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। दूरदर्शन इज ऑल सेट फॉर द कवरेज ऑफ नेशनल गेम्स 2022 इन गुजरात। वी आर डिप्लॉइंग 10 ओबीवैंस एंड 10 डीएसएनजीज। वी आर आल्सो यूजिंग द स्पेशलाइज्ड कवरेज इक्विपमेंट एंड इंट्रोड्यूसिंग एआर एलिमेंट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर द व्यूअर्स। दूरदर्शन के पास यूं तो खेलों के सजीव प्रसारण का व्यापक अनुभव है, फिर भी हर बार अपने प्रसारण को बेहतर बनाने की कोशिश लगातार की जाती है। राष्ट्रीय खेलों में इस बार कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं, जिसमें एआर एलिमेंट शामिल हैं। इनमें कैमरे के जरिए लाइव ग्राफिक आउटपुट दिया जा सकता है, वहीं दर्शकों को एरियल व्यू भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अबाकस कैमरा, फिश आई कैमरा और पीटीजेड कैमरे का इस्तेमाल किया जाना है। इसमें पहली बार हम दो तरह के नए कैमरा यूज कर रहे हैं, जिसको हम एआर इफेक्ट बोलते हैं। उसके साथ जैसे प्राइम मिनिस्टर ओपन करेंगे नेशनल गेम्स, तो एक ग्राफिक इफेक्ट आएगा कैमरे के ऊपर, जो पहली बार हम इसको यूज कर रहे हैं वो आप देख पाएंगे। उसी टाइम कैमरे के साथ पीएम के सामने वो ग्राफिक इफेक्ट्स के साथ वो नेशनल गेम्स ओपन होंगे, वो पूरा इफेक्ट आएगा एक, उसको एआर इफेक्ट बोलते हैं, वो हम पहली बार इस बार यूज कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित होंगी। इस राज्य का जिस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यकीनी तौर पर इस बात को मजबूती देता है कि इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर आगे चलकर देश ओलंपिक की मेजबानी के लिए इस राज्य को चुने तो कोई हैरानी नहीं। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए झारखंड के सैकड़ों खिलाड़ी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। इनमें पुरुष और महिला हॉकी टीम के साथ उनके कोच भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश भर में इस योजना के लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं। अब से अगले 3 महीने त्योहार के भरे होंगे। देश भर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरे से लेकर दिवाली हो, छठ पूजा हो, गुरुपूर्व हो, क्रिसमस तक 3 महीने लगातार त्यौहार 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 ही रहते हैं। और आज के निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसी दिशा में है। पहला निर्णय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले का झारखंड के लोगों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने तक बढ़ाए जाने का राजधानी वासियों ने स्वागत किया। उन्होंने इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। सरकार भी ध्यान दे रहा है, जो कि हम लोग को इतना मदद मिल रहा है। और अभी ये योजना चलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मदद हो रहा है हम लोग को, हर परिवार में हम लोग को 5-5 किलो चावल मिल रहा है। अरे त्यौहार आया है, त्यौहार में खर्चा मिल रहा है। और इन साल खेती बाड़ी अच्छा से नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। सर ने हम लोग के लिए टाइम बढ़ा दिया होगा तो हम लोग के लिए और अच्छा होगा। इस गरीब कल्याण में
हम लोग को बहुत मदद मिला, जैसे लॉकडाउन हुआ उस तरह भूखे परेशान हो गया था पब्लिक, उस समय बहुत मदद दिया। पूरी में आप क्या करेंगे, बस कोरोना का बाद नहीं मिला है हम लोग को, बारिश भी नहीं हुआ था इसीलिए बस सूखा रुखा हुआ। क्या बोले, पहले भी लॉकडाउन में भी मिलता था और अभी भी मिल गया रहा, हमेशा मिलते ही रहता है। योजना है ये मिलना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। प्रति माह कोरोना से जो मदद दे रही सरकार थे, उसे उस समय से हम लोग बहुत बेरोजगार होते तो खाने पीने का बड़ी तकलीफ हो रहा था, इसमें दिया हम लोग खाने पीने के लिए हमारा दिया और अभी तक हम लोग को मिल ही रहे। पर्व त्यौहार आया तो इससे हम लोग का मदद अच्छा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? उस तरह से सभी व्यक्ति जो देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,272 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,474 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। देश भर में पिछले 24 घंटों में 4,272 मामले दर्ज किए गए, वहीं पिछले 24 घंटों में 4,474 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.72% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.51% दर्ज किया गया, दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.35% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस दौरान कोरोना के 4 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 29 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,18,23,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 2,18,17,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 21,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। आज विश्व हृदय दिवस है। भागती दौड़ती जिंदगी का सबसे ज्यादा खामियाजा हमारे दिल को ही उठाना पड़ा है। दुनिया भर में दिल के मरीजों के बढ़ते आंकड़े अब धड़कनें बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि आज दुनिया विश्व हृदय दिवस मना रही है, ताकि ठहर कर दिल से दिल के बारे में सोचा जा सके। वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इस वर्ष हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। यह हृदय रोगों के निवारण के लिए पूरे विश्व के लोगों को एकजुट करने का आह्वान करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लोगों से स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विश्व हृदय दिवस पर आयोजित मैराथन दौड़ को रिम्स स्थित राजेंद्र पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम के साथ अच्छा खान पान पर लोग ध्यान दें और अपने दिल का ध्यान रखें। राजधानी रांची शहरी क्षेत्र हेहल के अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह से अब एसीबी पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आय से अधिक संपत्ति मामले के आरोपी श्री सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर कर अनुसंधान करने की अनुमति एसीबी को दे दी है। इससे पूर्व अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने जून 2022 में दी थी। गिरिडीह पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 10 पिस्टल, करीब 2 दर्जन जिंदा कारतूस और कई मोटरसाइकिल बरामद किया गया।
महीनों से बगोदर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में एनएसपीएम नामक गिरोह जिसके लीडर उमेश गिरी के द्वारा कई आपराधिक घटना के अंजाम देने की सूचना निरंतर प्राप्त हो रही थी। इस संदर्भ साहिबगंज जिले में आदिम जनजाति महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य बागवानी मिशन योजना और उद्यान विकास योजना के तहत 9 प्रखंडों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विकास की योजना और दूसरा है राज्य बागवानी मिशन के अंतर्गत योजना चलाई जाएगी, जिसके तहत सब्जी फल और फूल की खेती के बारे में बताया जाता है। और सब्जी के तहत आप मिर्च का, ओल का, अदरक का, टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च वो कृषक करते हैं। फल है, फल के तहत फल बाग की स्थापना किया जाता है। और टपक सिंचाई भी है, जिसको स्ट्रॉबेरी, केला, पपीता, अनानास के साथ टपक सिंचाई भी लगा सकते हैं। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। आज दोपहर से ही रांची और आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ वर्षापात का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक बारिश के आसार हैं। झारखंड की बेटियों ने कई मौकों पर उपलब्धियां हासिल करके देश और दुनिया में राज्य का मान बढ़ाया है। राष्ट्रपति से मेडल प्राप्त करके इस बार ये मौका दिया है राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस की स्वयंसेवक फलक फातिमा ने। कोरोना काल में जरूरतमंदों के बीच आवश्यक सामग्रियों के वितरण, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य करने के लिए रांची की फलक फातिमा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों एनएसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही फलक फातिमा इस बात से बेहद ही रोमांचित हैं कि उनके काम को देश ने एक नाम और पहचान दी है। पहली बार समाज सेवा से मैं इतने दूर रांची से दिल्ली का सफर और फिर राष्ट्रपति भवन, और इसमें इस बात की उत्सुकता थी मन में कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा हमें सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदया से जब मैं 24 को सम्मानित हो रही थी तो उस वक्त मन में अलग सा जिज्ञासा था, बस इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदया से मैं पहले भी मिली थी, रांची से थी, और फिर दिल्ली में राष्ट्रपति के तौर पर मैं श्रीमती राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू से मिली तो बहुत ही खुशी हुई। बहुत ही ज़्यादा अलग तरह का भाव था मन में और ये लगा कि ये तो अपने रांची का ही है, एक बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं उनसे ले रही हूँ। एमएससी की पढ़ाई कर चुकी फलक फातिमा फिलहाल बीएड की पढ़ाई कर रही हैं। फलक फातिमा आगे चलकर यूपीएससी की परीक्षा पास करके एक कुशल प्रशासक बनना चाहती हैं। जी, मैंने अब तक बीएससी करा है, बीएससी बॉटनी, उसके बाद एमएससी मैं रांची यूनिवर्सिटी से की हूँ, उसके बाद अभी मैं बीएड कर रही हूँ गवर्नमेंट वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से। और आगे का मेरा ये सपना है कि मैं समाज से हमेशा जुड़ी रहूँ, हमेशा मैं समाज के लिए काम करूँ और समाज के हित में कुछ अलग कर दिखाऊं। सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रही फलक फातिमा की माँ फूले नहीं समा रही हैं। दूसरे अभिभावकों से वो कहना चाहती हैं कि बेटा बेटी में फर्क करना सही नहीं है, अवसर मिले तो बेटियां भी लंबी छलांग लगा सकती हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बेटी झारखंड से दिल्ली तक पहुंच गई और वहां जाकर राष्ट्रपति महोदय से इनको पुरस्कार मिला। ये मेरी बहुत खुशी की बात है और हर माँ से मैं यही कहूंगी, हर बेटियों को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह पुरस्कार मेरे झारखंड की बेटियों को मिलता रहे। युवाओं में सामूहिक नेतृत्व और सेवा भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस अपने कदम बढ़ा रहा है। स्वयं से पहले आपकी भावना के साथ फलक फातिमा जैसे युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। आकांक्षी जिला बोकारो में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आया है। सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है, छात्र छात्राओं को पठन पाठन के आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन की व्यवस्था भी की गई है।
बोकारो के छा स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की 500 से ज्यादा छात्राएं अपने सपनों को पंख देने की तैयारी कर रही हैं। इस विद्यालय में ज्यादातर बच्चियां ऐसे सुदूर गांव से हैं, जिन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि उनकी उंगलियां कंप्यूटर के बोर्ड को छू भी सकेंगी। लेकिन आज ये बच्चियां अपने सपनों की उड़ान के लिए गूगल पर सर्च कर रही हैं। विद्यालय की छात्राएं काफी खुश हैं कि उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है और अब ये जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकेंगी। छात्राओं को खुशी है कि कंप्यूटर के माध्यम से उनकी किसी भी जिज्ञासा का समाधान मिल जाता है। किसी तरह की कोई भी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो रही है। बहुत ही अच्छा दिया गया है पढ़ने के लिए, सुविधा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग बहुत अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जो हमारे टीचर पढ़ाती है उसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट भी कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। यहाँ प्रोजेक्टर के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है और कक्षा के साथ साथ हमारी कक्षा के विषय के साथ साथ हम यहाँ कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी लेते हैं। अभी का जो समय है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही चल रहा है। अभी कुछ भी चीज़ अगर करना रहे तो वो ऑनलाइन माध्यम से होता है, जिस वजह से हमें फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो, इस कारण से हमें प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के माध्यम से सभी चीज़ की जानकारी दी जाती है। विद्यालय की प्राचार्य के मुताबिक पठन पाठन की लगभग सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा छात्राओं की फिटनेस के लिए विद्यालय परिसर में ही व्यायाम शाला की भी सरकार ने व्यवस्था कराई है। ICT के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से उसको शिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय में वाला पेंटिंग के द्वारा भी बच्चों को शिक्षण अनुभव प्राप्त कराए जा रहे हैं। यहाँ सरकार के द्वारा जिम दिया गया है। ICT इंस्ट्रक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि विद्यालय में एक दर्जन से ज्यादा कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर से पढ़ाने की भी व्यवस्था है। साथ ही विद्यालय की छात्राओं की किसी भी समस्या के समाधान के लिए JCRT के द्वारा नियमित रूप से एक विशेषज्ञ भी भेजा जाता है। कुछ थ्योरी लिखाया जाता है डेफिनेशन से, और वो नहीं समझ में आता है तो प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, जिसे प्रैक्टिकली सीख पाए और समझ पाए। जो कुछ इन लोग को समझ में नहीं आता है उसको गूगल से सर्च करके इन लोग को बताया जाता है। अदर सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया गया है कंपनी के थ्रू, उसे कंटेंट से पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे अपने जो मन में प्रश्न होते हैं वो बता नहीं पाते हैं, चाहे वो मेंटल के लेकर के हो, स्वास्थ्य के लेकर के हो, करियर के लेकर के हो, विषय से लेकर के हो। चूंकि यह उम्र जो है 6 to 12 क्लास का जो किशोरावस्था होता है, इसमें बहुत बहुत सारे सपने बच्चे सहयोगी रहते हैं और प्रश्न के जवाब ढूंढे रहते हैं और नहीं मिल पाने के कारण अपना मार्ग भटक जाते हैं। तो JCRT के सहयोग से, जिला की टीम के सहयोग से हम लोग को भरपूर कोशिश होगा कि इनके सारे प्रश्नों के जवाब हम लोग दे पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आए इस बदलाव के लिए नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। बोकारो के आकांक्षी जिले बन जाने के बाद से नीति आयोग विकास की कई योजनाएं चला रहा है, जिससे जिले का चौमुखी विकास संभव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की आराधना की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में श्रद्धालु देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना में लीन हैं। राजधानी रांची के कई पूजा पंडालों के पट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इधर रांची पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, कोई असामाजिक गतिविधि देखने पर इसकी सूचना फौरन पुलिस को देने का आह्वान किया। कुष्मांडा
भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्र भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्र कमंडलु चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपावती धरा दुर्गति नाशिनी त्वं हि दरिद्रादि विनाशिनी जयंदा जगत माता जगत कत्री जगत माता जगत कत्री जगदाधार रूपिणी चराचरेश्वरी बुलेटिन में इसके साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास, शाम में राष्ट्रीय खेल का भी दिवस करेंगे उद्घाटन। केंद्र कैबिनेट के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अवधि विस्तार की चौतरफा सराहना, झारखंड के लोगों ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। गिरिडीह पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मिली सफलता, हथियार के साथ पांच अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े, सिमडेगा में युवती से दुष्कर्म मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार। और शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा, आज से रांची के खुलने शुरू होंगे पूजा पंडाल, पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील।